गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ के बारे में बताएंगे। क्रोनिक माने जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, जैसे डायबिटीज हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट्स आवर हेल्थ। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बींग हेल्दी। मतलब आपकी चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक हो, सभी डिजीज जो होती हैं हमारी बॉडी पर पुअर इफेक्ट डालती हैं। लेकिन कुछ जो होती हैं, ये एक्यूट डिजीज जब होती है तो फिर आपको कम क्या होता है, कम समय के लिए आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। बट एन एक्यूट डिजीज विच इज ओवर वेरी सून will not have time to cause major effect on general health. बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर नहीं डालती। While a chronic disease will do so. As an example, think about a cough and cold, which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so. हम देखते हैं, हमें अगर कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो वो कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद हम अच्छा फील कर देते हैं। एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। बट इफ वी गेट इफेक्टेड विद ए क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग, अगर हमारे ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है तो हम बहुत सालों तक बीमार रहते हैं, हमारा वेट भी लूज हो जाता है और हम कैसा फील करते हैं, टायर्ड, थकान रहती है। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ वी हैव एन एक्यूट डिजीज। जब कुछ समय के लिए स्कूल नहीं जाते, लेकिन जब क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो हमें स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको समझने में भी दिक्कत होती है और हमारी लर्निंग भी कमजोर हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ। हमारी हेल्थ भी बुरी हो जाती है जब हमारी क्रोनिक डिजीज हो जाती है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना नहीं भूलना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।